ऑल आईज ऑन राफा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर के लोग इस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। इसराइल गाजा के राफा शहर में माइग्रेंट्स फिलिस्तीनियों के कैंप पर हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक 45 फिलिस्तीनियों से ज्यादा की जान जा चुकी है और 110 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हवाई हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। दुनिया भर में इसराइल की आलोचना हो रही है। बॉलीवुड सेलेब्स भी राफा के सपोर्ट में उतरे हैं और इसराइल की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिलिस्तीन का साथ दिया है और इसराइल को खरी खोटी सुनाई है। बॉलीवुड सेलेब्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऑल आईज ऑन रफा का पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इसमें राधिका आप्टे, गौहर खान, दिया मिर्जा, वरुण धवन, सोनम कपूर, नकुल मेहता, एमी जैक्सन, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं। तो ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर रफा इस झगड़े में क्यों आ गया, क्या है आखिर गाजा और रफा का कनेक्शन। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। जैसा कि आप जानते हैं, इसराइल और हमास के बीच पिछले 7 महीनों से युद्ध चल रहा है। बीते रविवार यानी 26 मई के दिन हमास ने करीब 4 महीने में पहली बार मध्य इसराइल के तेल अवीव शहर पर बड़ा रॉकेट हमले का दावा किया था। वहीं इसराइल सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा के रफा क्षेत्र से कम 8 रॉकेट दागे गए थे। अब सवाल यह कि आखिर इसराइल सेना गाजा के रफा शहर में ही सबसे ज्यादा अटैक क्यों कर रहा है। आज हम आपको इसके पीछे की वजह भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि रफा इतना जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें कि हमास को खत्म करने के लिए इजरायली सेना लगातार गाजा शहर पर हमले कर रही है, लेकिन इस बीच इजरायली सेना ने राफा शहर पर भी कई हमले किए। इजरायली सेना का इसके पीछे का तर्क यह है कि रफा में हमास के लोग हैं जिन्होंने इजरायल पर हमला किया था, अब जिसे इजरायली सेना तबाह कर रही है। गौरतलब है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते 20 मार्च को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि इजरायली सैनिकों के रफा में एंट्री किए बिना हमास के खिलाफ जीत हासिल करना असंभव है, मुश्किल है। अब इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा रफा का खास उल्लेख ये बताता है कि ये क्षेत्र भौगोलिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। जानकारी के मुताबिक रफा में 4 हमास लड़ाकू बटालियनों का ठिकाना है। इजरायली सेना गाजा पट्टी के उत्तर और मध्य में सफलता पा चुकी है। आप इसको ऐसे समझिए कि गाजा पट्टी 41 किलोमीटर का एक संकीर्ण फिलिस्तीनी क्षेत्र है, बहुत ही छोटा है, जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर मौजूद है। ये उत्तर और पूर्व में इसराइल से घिरा हुआ है, वहीं दक्षिण में इसकी सीमा मिस्र से लगती है। आसान भाषा में कहें तो रफा शहर गाजा पट्टी को मिस्र से विभाजित करता है। गाजा में रहने वाले 2 मिलियन लोगों के लिए 3 मेन एंट्रेंस और निकास बिंदु हैं। उत्तर में ऑरेंज क्रॉसिंग और दक्षिण में राफा या राफा क्रॉसिंग है। राफा गाजा की जीवन रेखा भी है, क्योंकि 2007 में इसराइल द्वारा गाजा पट्टी पर भूमि, समुद्र और हवाई नाकेबंदी लगाए जाने के बाद माल और मानवीय सहायता राफा से होकर गुजरती है। राफा एकमात्र स्थान है जिसके माध्यम से गाजा के लोगों को मिस्र से ईंधन, खाना पकाने की गैस, दवाइयां और निर्माण सामग्री जैसी जरूरी चीजें मिलती हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में इसराइल के हवाई हमलों ने क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया था। यही वजह है कि इसराइल की सेना रफा पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती है, इसी वजह से सबसे ज्यादा हमले रफा में हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।